मैंने अपने पास एक फाइल ओपन की हुई है स्टूडेंट्स, इसको मैं 3D के अंदर ले चलता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले आप अपने यूनिट्स वगैरह चेक कर लिया करें कि आपके यूनिट्स परफेक्ट हैं, यानी कि आप इंच और फिट्स के अंदर हो या नहीं हो। तो आप UN एंटर कर दें कीबोर्ड से, तो बिल्कुल मेरे यूनिट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, हर काम मेरा बिल्कुल ठीक ठाक है। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। स्लाइस, स्लाइस नाम से जाहिर है, किसी भी चीज को आप स्लाइसिंग के लिए यूज करोगे। फर्ज करें किसी भी चीज को आप काटने के लिए आप यूज करोगे स्लाइस का। तो मेरे पास EXT, मैं कर देता हूँ एक ऑब्जेक्ट को, तकरीबन इसको मैं 3 फिट्स मैंने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया है। मैं इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा दूंगा, EXT मैं इसको देता हूँ तकरीबन कुछ 30 फिट्स की वैल्यू। बहरहाल अपनी रिक्वायरमेंट मुताबिक वैल्यू दे दें। अब स्टूडेंट्स मैं ये चाहता हूँ ये यहाँ से कट्स में आ जाए, आपके पास इसको आप कट्स में बनाना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, स्लाइसिस का यूज करना होगा। स्लाइसिस के लिए आपको ड्रॉ के अंदर जाना है, सॉलिड के अंदर जाना है और स्लाइस की ऑप्शन उठा लेनी है। स्लाइस के अंदर जाएं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और एंटर कर दें। अब इसको एक पॉइंट दें जो आपका टारगेट है, दूसरा पॉइंट दें और इसको आप तीसरा पॉइंट दें। 3 पॉइंट देने के बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसे कहेंगे कीप बोथ साइड। जैसे ही आप इसको कीप बोथ साइड कर देंगे, अब आप 2D में जाके देखें, सॉरी वायर फ्रेम में जाके देखें, तो आपके पास दो लाइनें नजर आ जाएंगे। अब बेसिकली इसने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को इसने अलग-अलग कर दिया है। तो देखें अब आप इसको इस तरफ होकर देखें तो ये आपके पास कुछ ऐसे नजर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास स्लाइसिस का यूज है, देखा आपने। स्लाइसिस करता है क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आपको काट कर दे देता है। इसी तरह से इसके डिफरेंट यूज हो सकते हैं। मैं यहां पर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, REC एट द रेट ऑफ, मैं इसे दे रहा हूं तकरीबन 3 फिट्स एक्स की वैल्यू दे रहा हूं और सेम मैं 3 फिट्स ही वाई की वैल्यू से मैं दे देता हूं। मैं इसे करीब चला जाता हूं और मैं इसको एक ऑफसेट दे देता हूं अंदर की जानब या बाहर की जानब देता हूं इसको मैं 2 फिट्स का। तो मेरे पास देखिए ये शेप बन चुकी है। तो मैं दोनों को EXT कर देता हूं तकरीबन 2 फिट्स के फासले पे, तो मेरे पास ये आ गया। अब स्टूडेंट्स में ये चाह रहा हूं मेरे पास हर एक ऑब्जेक्ट स्लाइसेस हो इधर तक, यहां से इधर तक, यानी कि करना क्या, आप SL शॉर्टकट है स्लाइस की, आप स्लाइड के अंदर चले जाएं, एंटर कर दें। देखें आप ड्रॉ के अंदर जाते हो, सॉलिड के अंदर जाके स्लाइस के ऊपर क्लिक करते हो, इससे बेहतर ये है SL लगाओ क्योंकि शॉर्टकट्स के ऊपर काम करना सीखें स्टूडेंट्स आप। SL मैंने ड्रॉ किया, एंटर किया, सिलेक्ट करें और फिर एंटर कर दें इसे। इसमें कहूंगा एक पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट आपका ये है, तीसरा टारगेट आपका ये है, राइट क्लिक करें और कीप बोथ साइड की ऑप्शन ड्रॉ कर दें। जैसे आपने कीप बोथ साइड की ऑप्शन लगाई है तो देखिए आपके पास ये शेप बनी आ चुकी है, इस व्यू में आए। अब आप इसे यहां से मूव भी कर सकते हो, मूव करेंगे तो ये पीछे की तरफ निकल कर आएगा। देखें इसने क्या किया, इसने इसको टेपर कर दिया, ये देखें। अब इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं जो आपको शेप चाहिए इनमें से यूज करने के लिए। इस तरह से SL अगेन स्लाइसिस का मैंने यूज किया है, एक पॉइंट दे दिया मैंने अपना, दूसरा पॉइंट दे दिया है यहाँ पे और फिर मैंने अपना तीसरा पॉइंट इस जगह पे दे दिया है, राइट क्लिक कर दे और की बोथ साइड इसे कह रही है। अब क्या होगा, आप इसे डिलीट कर सकते हैं अगेन, अपने आप को आप टर्न कर लें दूसरी जानब, मैंने अपने आप को टर्न कर लिया दूसरी जानब और अगेन आप SL स्लाइसिस लगा सकते हैं कीबोर्ड से। फिर मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे और दूसरा पॉइंट मैंने इसको दे दिया और ये मेरा तीसरा पॉइंट इधर आ चुका है यहाँ पे, राइट क्लिक करें की बोथ साइड। तो बेसिकली स्टूडेंट्स स्लाइसेस जो है बहुत डिफिकल्ट कामों के लिए यूज किया जाता है, जब हम आगे प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हैं या कोई आप शेप बना रहे हो कॉम्प्लिकेटेड जहां पर 3D फेसेस का यूज ना हो। अब तक देखा जाए ये भी तो बिल्कुल 3D फेसेस की तरह ही काम कर रहा है स्लाइसिस भी। बहरहाल ऑप्शन मैंने आपको बताने थी, SL शॉर्टकट है इसकी। तो 3 पॉइंट्स दें, राइट क्लिक करें कीप बोथ साइड सिलेक्ट करके आप इसे डिलीट कर दें। अब आप देखें आपके पास ये शेप कुछ इस तरह की बन चुकी है, यानी कि आपकी जो टारगेटेड लाइनें थी उसके ऊपर इसने आपको स्लाइसिंग करके दे दिया। देखें तो ये आपके पास स्लाइसिंग आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा छोटी सी स्लाइस की हवाले से। फर्स्ट करें आप अपने पास कोई चादर का छत बना रहे हैं, जैसे हमने अपने पिछले प्रोजेक्ट्स के अंदर क्रिएट किया था, एट द रेट मैं कहता हूँ 50 फिट्स एक्स की वैल्यू है और 85 फिट्स मेरे पास वाई की भी वैल्यू है, आप इसे एंटर कर दें। देखता हूँ मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, REC रेक्टेंगल एट द रेट ऑफ, मैंने इसको एक्स की वैल्यू 50 फिट्स दे दी है
और वाई की वैल्यू मैंने इसको 85 डिजिट ड्रॉ कर दी है। तो देखिए अब मेरे पास ये शेप इधर ड्रॉ होकर आ चुकी है। अब आप इधर ऐसा करें, एक लाइन ड्रॉ कर लें अपने पास, यहाँ पे एक लाइन इधर ड्रॉ कर लें। बिल्कुल हमने ये ऑप्शन 3D फेसेस के अंदर भी की थी, मैं आपको अच्छी तरह वहां पर बता चुका था। बहरहाल एग्जाम्पल मैं आपको एक यहां पर भी देना चाह रहा हूं, 15 15 फिट्स का ऑफसेट दोनों तरफ से लिया और जेड के ऊपर मैं एक और लाइन लेना चाहूंगा। मैंने एक और लाइन ली है, एक्स की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, वाई की वैल्यू 0 रख रहा हूँ और जेड के ऊपर 12 फिट्स की मैं से वैल्यू दे रहा हूँ। अगेन मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ये, और जितनी मैंने हाइट लाइनों की दी है यही हाइट आप इसको भी दे दें 12 फिट्स की, तो मेरे पास ये आ चुकी है। अब आप देखिए आपके पास ये कुछ ऐसे नजर आ रहा है। तो एस एल स्लाइस लगा दें अपने पास, आप इसको एक पॉइंट दे सकते हैं, दूसरा और ये तीसरा पॉइंट, राइट क्लिक करें, कीप बोथ साइड सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। अगेन एस एल स्लाइस, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, राइट क्लिक करें, कीप बोथ साइड, इसे भी आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। फिर एस एल स्लाइस कर दें से, फिर इसको दो पॉइंट दे देंगे आप, एक पॉइंट ये आपका, दूसरा ये और तीसरा इसके एंड पे होगा, राइट क्लिक करें, कीप बोथ साइड। स्टूडेंट्स आप जब भी काम करें कोशिश करें इस व्यू में रह के, क्योंकि जब आप इस व्यू में रहेंगे तो आपसे गलत क्लिक हो सकते हैं। बहरहाल एस एल, फिर मैंने कहा एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है, तीसरा पॉइंट इधर आ गया, राइट क्लिक कर दें, की बोथ साइड्स कर दें। तो अब देखें मेरे पास ये शेप ऐसे ड्रा होकर आ चुकी है। अब प्रॉब्लम ये होता है स्टूडेंट्स, ये नीचे से आपको बिल्कुल देखें सॉलिड दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको इसके अंदर गैप चाहिए। अब मैं इसके अंदर गैप कैसे बनाऊंगा, उसका आसान तरीकेकार क्या है, आप इधर आए इसकी कॉपी ले लें, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूं। आप इसे कहेंगे शिफ्ट एट द रेट एक्स 0 वाई पे कुछ नहीं चाहिए, जेड पर आप ऐसा कर लो 2 इंच के फासले पर एक कॉपी इसकी ले लो। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास दो कॉपीज इधर मौजूद है, यहां पे एक नीचे ऑब्जेक्ट है और एक आपके पास ऊपर ऑब्जेक्ट है। तो आप ऐसा करेंगे एस यू सब्ट्रैक्ट, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब अगर आप इसको उल्टा कर देखें तो आपके पास ये इधर कट्स पॉइंट्स बना हुआ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे